पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज श्रावण महीने का आखिरी दिन है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर प्रेम और स्नेह का पवित्र धागा बांधकर उनसे खुद की रक्षा का वचन मांगती हैं। पूरे देश में इस त्योहार की धूम है। लोग अलग अलग और अपने तरीके से रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पेड़ों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। पेड़ों को राखी बांधते हुए पोस्टर लगाया गया और कहा कि पर्यावरण को बचाने पोस्टर लगाकर पर्यावरण को बचाने का भी संदेश दिया गया। पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधा गया है, जैसे भाई की कलाई पर हम राखी बांधते हैं रक्षा के लिए, ऐसे ही हम पौधों पहले तो पौधे लगाते हैं, पौधे अगर बड़े हो जाए तो उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा करें, जिससे कि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो और प्रकृति हमें अच्छी तरह से देखने को हर जगह मिल जाए। हाँ, जैसे भी अभी हमने रक्षा सूत्र बांधा है तो अगर वे पेड़ अगर काटेंगे तो उन्हें अगर रक्षा सूत्र बंधा हुआ दिखेगा तो वो शायद इस पेड़ को ना काटें और इसी वजह से वो पेड़ों को काटने से छोड़ देंगे, और अगर काटने से छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है प्रकृति में उन्नति ही होगी। कि जैसे आज हम रक्षा सूत्र बांधकर प्रकृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग जो है इसको समझें और जो है वो इससे प्रेरणा लें कि आज हम पेड़ों को बचा रहे हैं तो कल को पेड़ हमारी भी रक्षा करेंगे, और यही रक्षा सूत्र को यही कामना लिए हुए रक्षा की जो है भाई को अपने राखी बांधती है या रक्षा सूत्र बांधती है बहनें, तो हम भी इसी भावना को अपने मन में रखें और आज हम यदि पेड़ों को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, उनके मंगल की कामना कर रहे हैं, तो कल को वो भी हमारा मंगल ही करेंगे, और वो तो हमेशा करते ही रहे हैं। इसलिए जो है मेरा तो सभी से यह अनुरोध है कि कृपया पेड़ों के महत्व को समझें। यही कहना है कि प्रकृति ही सर्वे सर्वा है और प्रकृति में ही हमारी समस्त समस्याओं का समाधान निहित है। हम देख रहे हैं कि आए दिन जो है विकास के नाम पर या किसी और अन्य प्रक्रम या प्रकल्प के नाम पर जो है वो पेड़ों का कटान तेज़ी के साथ किया जा रहा है, जबकि हम ये नहीं जानते कि ये हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अगर प्राणवायु ऑक्सीजन ना मिले तो हमारे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, और पेड़ पौधे जो है वो संपूर्ण जगत के लिए वो एक प्राणवायु और उन्हें जीवन देने का काम करते हैं। तो इन्हें बचाने के लिए संकल्प लिया गया और सभी को यही निवेदन किया जाता है कि आप भी जहां आपके आसपास कोई कटान होता है तो उन्हें रोकें और टोकें। एक शब्द आता समाज में देवता, देवता उसको कहते हैं जो निस्वार्थ भावना से, समान भावना से जो देता है और उसके प्रतिरूप में कुछ नहीं लेता है। तो ये जो वृक्ष हैं, जो प्रकृति है, हमें हमेशा देती है, कभी लेती नहीं है। तो प्रकृति सेवा समिति ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर ये प्रकृति की रक्षार्थ हमने पेड़ों को बचाए रखने का संकल्प लिया है, ताकि ये पेड़ जो ऑक्सीजन देते हैं मानवता की रक्षा करते हैं। अगर पेड़ नहीं हो तो मनुष्य का जीवन निर्जीव हो जाएगा। इसी आशय से अभी एक महीना पहले से सरकार की ओर से, विभिन्न संस्थाओं की ओर से बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ लगाए गए ताकि ये समाज का, पर्यावरण का संतुलन बना रहे और प्रदूषण ना हो, ताकि जो है मनुष्य जो है असमय काल कल्पित ना हो। तो इसी आशय से प्रकृति सेवा समिति ने आज यहाँ गौतम बुद्ध पार्क पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों के साथ ये वृक्षों पर जो है रक्षा सूत्र बांध का संकल्प लिया है कि हम इनको कटने नहीं देंगे, इनकी इनका संवर्धन करेंगे और इनकी रक्षार्थ हमेशा लगे रहेंगे, इनकी देखभाल करते रहेंगे, ताकि ये समाज में जो है हम सबको ऑक्सीजन दे के एक मानवीय रूप धारण कर सके। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।